hello everyone this is bindu prabhasahu welcome you all to the youtube tutorial SNEPS biology so as you have already read the title this video is not at all a lecture video and in this video we are going to discuss about the various career opportunities in environmental science okay so as per one of our subscribers request he has been constantly asking us about uh, the subject selection okay so

Press that bell icon next to the subscription button, select all so that you can get all the notifications whenever a new video comes up. Okay, another thing I would like to tell that due to some ongoing health issues, we were unable to upload the videos as we have promised. But uh, you all know that the situation is not good at all. Okay, and I hope. You all have been taking care of yourself and your families, and in this process, we are also trying our best to keep our health good and also providing you uh, videos as per your need. Okay, we are trying our best to upload more and more videos, uh, but uh, sometimes uh, it becomes uh, very hectic and due to some health related issues. So, we were unable to do so, but we are trying our best to upload as many videos as we can. Okay, so don't get disconnected, do stay connected with us. We will definitely help you in clearing all your doubts uh, regarding the CPET or in any other subject. Okay, clear. So, let's start our topic. Do stay connected with us. Okay, so let's start so first let me clear you all that if you have taken botany zoology or life sciences in your honor subject okay as your honor subject clear then what happens you are eligible to give exams uh, to give exam in cpt for subjects like uh, for various interdisciplinary subjects or allied subjects what you say ओके लाइक योर माइक्रोबायोलॉजी, योर बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स देन एन्वायरमेंटल साइंस ओके यू आर एलिजिबल टू गिव एग्जाम इन दिस सब्जेक्ट्स ओके तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं आई हैव टेकन बॉटनी और जुलोजी और लाइफ साइंस एज माई ऑनर्स बट आई हैव मोर इंटरेस्ट इन अदर सब्जेक्ट्स ओके लाइक माइक्रोबायोलॉजी लाइक बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस ओके तो क्या करें ओके okay, जाए कि नहीं वहां पे कैरियर ऑपरचुनिटीज क्या है ओके सो यू मस्ट हैव मार्क्ड दैट इन ऑल द प्योर सब्जेक्ट्स ओके क्लियर यू मस्ट हैव कंप्लीटेड वन वन पेपर इन दिस इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ओके जैसे कि यह एनवायरमेंटल साइंस हो गया कि ये बी आई बी टी या फिर माइक्रोबायोलॉजी क्लियर ये होता है तो वहां पे आपको क्या लगता है कि ये वाला सब्जेक्ट मुझसे अच्छा होता है तो ये वाला सब्जेक्ट में सीपीईटी के लिए पढ़ूंगी या पढ़ूंगा ओके? कोई भी नहीं है आप पढ़ सकते हो, why not? ओके दो दो चीज आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट यू डोंट द सिलेबस इन व्हाट व्हाट यू कैन से पूरा टेंशन में आके पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है मतलब करना है ऐसा कुछ नहीं है ओके यू हैव टू कंप्लीट दो चैप्टर्स दो इन दिलेबस क्लियर तो क्या होता है कि आ, हर एक कॉलेज में ओके एनवायरमेंटल साइंस नहीं होता है एज एन ऑनर्स ओके या फिर माइक्रोबायोलॉजी नहीं होता है बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायो इन्फोमेटिक्स भी नहीं होता है क्लियर हर एक कॉलेज में ये हो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ओके okay? किसी किसी कॉलेज में है किसी पे नहीं है राइट right? तो जो प्योर ब्रांचेस है जनरली वो सारे कॉलेजेस में अवेलेबल है ओके okay? तो जो सी है वो एग्जाम प्योर ब्रांचेस के लिए भी कंडक्ट कर रहा है और ये इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस के लिए भी कंडक्ट कर रहा है ओके okay? तो ये ऑटोमेटिकली ये माइंड में उसका है ओके सीपीई टी की माइंड में ये है कि जो क्वेश्चन uh, हम पूछेंगे ओके दैट शुड बी रेलिवेंट ओके टू द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स व्हिच हैव प्योर ब्रांचेस एज देयर ऑनर्स ओके और इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस एज देयर ऑनर्स क्लियर क्योंकि कोई भी ऐसा सिलेबस तो वो दिया नहीं है कि uh, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये सिलेबस है ये पढ़ो ओके okay, ऐसा कुछ भी नहीं है ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं है ओके ओनली दे हैव गिवन अस द एग्जाम पैटर्न राइट तो ये बात है तो वो जब क्वेश्चन सेट करेंगे तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये उन बच्चों के लिए है जिनके कॉलेजेस में ये सब ऑनर्स नहीं है ओके okay. और प्योर ब्रांचेस अवेलेबल है ओके okay. और वो एग्जाम दे रहे ओके okay. ये सब भी वो ध्यान में रखेंगे उसी हिसाब से आपका क्वेश्चंस आता है राइट right? तो आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट है आपका जूलॉजी हो गया बॉटनी हो गया या फिर हो गया राइट right? तो उसमें क्या होता है कि एक एक पेपर्स होते हैं ये सब सब्जेक्ट्स में इंटर और अलाइड सब्जेक्ट्स में राइट right? तो वो सिलेबस आपको कंप्लीट करना है ओके देन एनदर थिंग इज देयर देर आर सम मोर चैप्टर्स ओके इन these अलाइड ब्रांचेस ओके तो आपको क्या करना है जो कॉलेजेस में ये सब अलाइड ब्रांचेस हैं ओके उनके सिलेबस को डाउनलोड कर देना है ओके okay, तो जो आप में नहीं है और जो उनके हैं और आपको लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है जैसे कि इन एनवायरमेंटल साइंस इकोलॉजी हो गया इकोसिस्टम हो गया राइट right? तो हमारा बायोफिजिक्स थोड़ा हो गया क्लियर कुछ केमिस्ट्री पार्ट है एनवायरमेंट रिलेटेड ओके ये सब चैप्टर्स को आपको ध्यान में लेना है ओके okay? जिसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं राइट सो देर आर सम चैप्टर्स इन दिस सब्जेक्ट विच विल डेफिनेटली नीड स्पेशल अटेंशन फ्रॉम योर साइड ओके एंड यू हैव टू कवर अप ऑल दोज चैप्टर्स ओके एंड देन यू कैन रिवाइज फंडामेंटल्स क्लियर करोगे तो नॉलेज बढ़ेगा और अगर नॉलेज बढ़ेगा प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी इट विल अल्टीमेटली

ये आपको ध्यान में रखना है वो आप पढ़ सकते हो आप उसका सिलेबस इजीली कवर कर सकते हो प्रैक्टिस कर सकते हो एंड यू कैन गिव दैट एग्जाम ओके क्लियर तो इसमें आप कोई डाउट में मत रहिए ओके बिकॉज सीपीटी हैज़ गिवेन चांस टू गो फॉर ऑल दिस ओके आपको फॉर्म भरना है एग्जाम देना है राइट right? तो इसमें आप डाउट मत रखो और रह गया कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, ओके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को देख के सब्जेक्ट सिलेक्शन करना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट में अच्छे हो ओके डेफिनेटली हैव अ गुड कैरियर इन फ्यूचर ओके क्लियर फ्यूचर आपका अच्छा जरूर हो जाएगा क्लियर अगर आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रहे हो उसमें अपना स्किल डेवलप कर रहे हो ओके देन व्हाई नॉट देर आर जॉब्स अवेलेबल इन एवरी सेक्टर ओके प्राइवेट हो गवर्मेंट हो कोई भी सब्जेक्ट हो हर में जॉब ऑपरचुनिटीज अवेलेबल है ओके okay? क्लियर तो जॉब ऑपरचुनिटी को देख के सब्जेक्ट चूज uh, करना कि मैम एमएससी में मैं क्या करूँगी या फिर क्या करूँगा ओके okay? ये करनी नहीं चाहिए ओके अकॉर्डिंग टू मी ओके सो चूज दैट सब्जेक्ट विच fits you the best okay and in every subject there is career opportunities there is good scope if you are in a field then try your best to do the best okay clear so you can have a good secure job you can have a good salary and you can have a bright future right so choose that subject which gives you confidence which makes you happy? Okay, you think that uh, after reading this subject in your MSc, you can do your best in that field. Okay, so go for that subject. Clear? So I hope uh, I have cleared your dilemma or doubt in this subject selection matter. Okay, so now. लेटस डिस्कस सम ऑफ द कैरियर अपॉर्चुनिटीज दट यू कैन फॉलो इन एनवाइज ओके सो आई विल टेल यू सेवन डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज ओके सो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज गो फॉर हायर एजुकेशन फ्यूचर ऑल्सो पे क्लियर सो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टू क्लियर नेट जे आर एफ और नेट एल एस ओके अगर जे आर एफ क्लियर हो जाता है तो एल एस तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है ओके, यू कैन क्लियर इधर जे आर एफ और एल एस ओके अगर आपका जे आर एफ क्लियर होता है देन यू कैन गेट स्टाइपेंड ओके आफ्टर एनरोलिंग योर सेल्फ इन पी एच डी इन एनी यूनिवर्सिटी ओके यू कैन गेट स्टाइपेंड एंड यू कैन रिसर्च ओके यू कैन डू योर रिसर्च वर्क ओके विच आर पे क्लियर देन इफ नॉट जे आर एफ you are clearing your ls okay net ls then what you can do ssb opsc okay they conduct exams for lecturers okay clear so uh, you can become a lecturer okay if you have completed your msc in a particular subject that is in environmental science then you have net ओके एस एस के लिए नेट तो जरूरी नहीं है लेकिन इफ यू हैव नेट देन यू कैन गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स ओके क्लियर तो ये एस एस बी का हो गया लेकिन ओपीएससी के लिए आपका नेट जरूरी है ओके टू बिकम लेक्चरर ओके इन दैट सब्जेक्ट क्लियर तो ये आपका हो सकता है लेकिन जनरली एनवायरमेंटल साइंस में जो ट्रेंड देख रहे हैं हम लोग वो एनवायरमेंटल साइंस के लिए बहुत ही कम पोस्ट होते हैं ओके सो यू कैन ऑप्ट फॉर ओपीएससी बट एस एस बी यू कैन ऑप्ट फॉर एस एस बी ओके क्लियर तो ये हो सकता है क्लियर जो कि आपको डायरेक्ट जॉब दिला सकता है पर आपको एग्जाम तो देना पड़ेगा इंटरव्यू भी देना पड़ेगा क्लियर तो ये हो गया नेक्स्ट द थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज टू गो फॉर बी एड ओके बैचलर्स इन एजुकेशन ओके तो आप बी एड कोई भी स्टेट स्टेट कॉलेज हो स्टेट का बी एड होता है देन सेंट्रल बी एड होता है फिर यूनिवर्सिटीज में भी बी एड प्रोग्राम्स होते हैं ओके इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज में इंटीग्रेटेड बी एड प्रोग्राम बी एड एम एड प्रोग्राम भी होते हैं ओके सो यू कैन स्टडी दैट देन क्लियर नेट ओके इन एजुकेशन ओके आप अगर इंटिकेटेड बी एड कर रहे हो या फिर बी के बाद एम एड कंप्लीट कर चुके हो देन यू कैन ऑल्सो गिव नेट एग्जामिनेशन इन एजुकेशन ओके क्लियर एंड यू कैन ऑल्सो बिकम एन ओ एस क्लियर तो ये आप कर सकते हो सो दिस इज प्योरली अ टीचिंग लाइन और यू कैन से एजुकेशन मैनेजमेंट लाइन ओके तो इन दिस सेक्टर यू कैन डू Any job or research, okay. Clear to generally a government sector. Hai. Clear now. Another thing is there, you can also give gate examination in environmental science starting from 2021. Okay, clear. So gate has introduced okay. Uh,

and if you have a good get score then you have the chance to become an, uh, become a technical assistant there clear to ye ho gaya aapka get or net or ba or integrated ba med program okay ये number one में आ गया आपका higher education के लिए आप जा सकते हो which will also pay you clear ये होता hai next second one ओके okay, जिसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो क्लियर तो वो है नबार्ड ओके नबार्ड जनरली कंडक्ट्स थ्री स्टेज एग्जाम फॉर ग्रेड ए ऑफिसर ओके तो तीन स्टेजेस में ये एग्जाम होता है जिसमें पहला है प्रिलिम्स सेकेंड है मेंस एंड थर्ड है your interview, okay, and in the main subject after clearing prelims, in the main subject, in your optional you can take environmental science as your optional subject, okay, तो so, ये आपका हो सकता है, अगर नाबाद हो गया, then you can become a group A officer, okay, grade A officer, clear, तो so, ये अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, then you can become that, okay, so ये हो गया आपका second opportunity. ड वन यू कैन बिकम एनवायरमेंटलिस्ट ओके और यू कैन ऑल्सो बिकम अ कंजर्वेशन साइंटिस्ट क्लियर सो क्या है कि दिस एनवायरमेंटल साइंस इट इज अ रिलेटिवली न्यू फील्ड राइट ओके एंड इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ वेरी मेनी ट्रेडिशनल की ट्रेडिशनल फील्ड्स ऑफ योर बायोलॉजी हो गया केमिस्ट्री हो गया थोड़ा सा फिजिक्स हो गया ओके okay? ये सब इसमें इंक्लूडेड है ओके okay? अगर आप सिलेबस देखोगे तो क्लियर क्लियर थोड़ा सा मैथ्स हो गया clear? ये सब आपको पता होनी चाहिए क्लियर तो अगर आपका नेट क्लियर है एंड यू आर स्किल्ड एन ओके देन यू कैन बिकम एन एनवरमेंटल साइंटिस्ट और स्पेशलिस्ट और कंजर्वेशन साइंटिस्ट ओके क्लियर ये आप बन सकते हो क्लियर तो यू कैन वर्क इन दिस सिनेरियो यू कैन वर्क फॉर द स्टेट और फॉर द लोकल इंडस्ट्रीज और फॉर कंपनीज ओके बिग कंपनीज क्लियर एज एन साइंटिस्ट ओके तो ये आपका हो सकता है क्लियर ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट दैट यू कैन बिकम एन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट और स्पेशलिस्ट और कंजर्वेशन साइंटिस्ट क्लियर नेक्स्ट कम टू पॉइंट ओके फोर्थ अपॉर्चुनिटी इन द प्राइवेट सेक्टर ओके सो इन प्राइवेट सेक्टर देर आर मेनी इंडस्ट्रीज ओके जैसे कि हो गया आपका वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज ओके पॉल्यूशन कंट्रोल इंडस्ट्रीज क्लियर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है आपका गवर्नमेंट में राइट right? तो ये तो गवर्नमेंट का हो गया लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल इंडस्ट्रीज भी है क्लियर देन वेरियस इंडस्ट्रीज विच आर रिलेटेड टू योर एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी ओके क्लियर ये सब इंडस्ट्रीज में आप काम कर सकते हो ओके एज एन असिस्टेंट एज एन रिसर्चर एज अ रिसर्चर या फिर uh, कोई भी एज एन एनवायरमेंटल केमिस्ट ओके okay, ये सब पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो बट द मेन फोकस एरिया शुड बी यू नीड टू बी स्किल्ड एन ऑफ क्लियर सिर्फ पढ़ाई कर देने से नहीं होगा आपका अगर नेट क्लियर है तो अच्छा है लेकिन अगर नेट भी क्लियर है यू शुड बी स्किल्ड एन ऑफ ओके टू गो फॉर अ कंपनी क्लियर और अ प्राइवेट सेक्टर आपको खुद की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी क्लियर जैसे कि कैसे आपको इंस्ट्रूमेंट हैंडल करना है रीडिंग लेना है ओके कैलकुलेशंस ओके क्लियर तो ये सब आप ऑप्ट कर सकते हो इन प्राइवेट सेक्टर सिमिलरली सिक्स पॉइंट में जो बोलने वाली हूं वो है कि आप लैब में काम, काम कर सकते हो क्लियर जैसे कि टेस्टिंग लैब हो गया कैलिब्रेशन लैब हो गया पर उसके लिए भी आपको स्किलफुल रहनी होगी क्लियर यू हैव टू बी स्किलफुल एनफ टू हैंडल एन इंस्ट्रूमेंट राइट इन द लैब क्लियर सो इसके लिए स्किल बहुत जरूरी है ओके okay? तो एक्सपीरियंस तो सबको चाहिए लेकिन अगर हम प्रैक्टिस uh, करेंगे तभी तो हमें एक्सपीरियंस होगा राइट right? तो छोटे कंपनी से स्टार्ट कीजिए धीरे 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 आप बड़े कंपनी के में भी काम कर सकते हैं क्लियर नाउ सेवेंथ पॉइंट ओके सेवेंथ अपॉर्चुनिटी, क्लियर तो यू कैन प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेस ओके तो कंसल्टेंसी सर्विसेस प्रोवाइड करने के लिए ओके okay, जनरली एक डिप्लोमा डिग्री की जरूरत होती है ओके यू कैन डू डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल हेल्थ हेज ओके और इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट okay you can do uh, pgdm in remote sensing okay which will give you a particular direction okay your skill will be automatically developed if you do pg diploma clear if you have this diploma degree then automatically in uh, practicing various uh, uh, various methods okay your skill will be automatically developed Okay, then after developing your skill in various instruments, in various fields, then what happens? You can provide consultancy services. Okay, you have the knowledge, you have the skill, so you can become a consultant. Right? So, EIA, pata hai? what is EIA? EIA stands for Environmental Impact Assessment. Okay, you can become a consultant there. ओके इफ यू आर स्किलफुल एनफ एंड यू इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस क्लियर तो वहां पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि या वहां पे आप जा सकते हो क्लियर एज अ कंसल्टेंट क्लियर देन एज अ कंसल्टेंट यू कैन आल्सो ओके यू कैन आल्सो गो फॉर वेरियस कंपनीज लाइक थर्मक्स ओके वहां पे पोस्ट रहती है फॉर कंसल्टेंट सो यू कैन गो देर क्लियर देन यू कैन बिकम सेन क्रिएट योर ओन क्लियर यू कैन क्रिएट योर ओन एनजीओ ओके विच विल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ आर एनवायरमेंट ओके तो गवर्नमेंट क्या करती है टेंडर्स देती है ओके वेरियस एनजीओ को टू वर्क फॉर दिस एंड दैट क्लियर तो so, अगर आपका एनजीओ तीन साल पुराना है और वो तीन साल तक काम कर रहा है कोई भी फील्ड में ओके okay, अच्छा कर रहा है देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट टेंडर एंड यू कैन गो फॉर इट ओके सो यू कैन बिकम योर ओन ओके यू कैन क्रिएट योर ओन क्लियर यू कैन प्रोवाइडेंट कंसल्टेंसी सर्विसेस ऑन योर ओन क्लियर फॉर आवर फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर एनवायरमेंट क्लियर तो ये है Seven career opportunities that you can uh, prefer after completing MSc in environmental science. Okay, the first one is to go for higher education, which are also paying. The second one is for NABAD. The third one is uh, for the conservationist or scientist or specialist in environment. Clear environmental science. Then the fourth one. प्राइवेट सेक्टर्स इंडस्ट्री हो गया या फिर लैब क्लियर तो लैब हम सिक्स में रखे हैं राइट देन सेवेंथ में कंसल्टेंसी सर्विसेस ओके डूंग पी जी डिप्लोमा क्लियर तो ये होगा देन एन अदर इंपॉर्टेंट थिंग ओके इफ यू आर डूइंग एम एस सी ओके देन यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन राइट सो आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन यू कैन आल्सो गिव योर स्टेट पीएससी एग्जाम्स एग्जाम्स इन बैंकिंग सेक्टर्स देन वेरियस इंश्योरेंस सेक्टर जैसे कि हो गया हमारा एनआईसीएल ओआईसीएल एआईसीएल एलआईसी ओके तो एल में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये सब पोस्ट निकलते हैं ओके यू कैन वर्क देयर क्लियर तो जनरली वहां पे क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस राइट ये सब बेसिक्स से सब्जेक्ट है राइट right? तो ये सब आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करो देन यू कैन गो फॉर दीज सेक्टर्स ऑल्सो ओके विच आर ऑल्सो गुड बेइंग क्लियर तो ये सब आप कर सकते हैं। so this is all about the video regarding the career opportunities in environmental science and i hope i have cleared your doubt in selecting a subject okay take that subject which is best suited to you okay which gives confidence to you okay clear so if you have any doubt further then you can ask us through the comment section and do subscribe to our channel like our videos and share our videos. Okay, and don't forget to press that bell icon. Thank you.